संपूर्ण निमाड़ और खरगोन जिला इस वक्त त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पूरी ताकत से लगा है। यहाँ मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच माना जाता है और यहाँ चुनाव आम तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होते हैं, पर अब यहाँ से भी हिंसा की खबरें आ रही हैं। भाजपा सांसद गजेंद्र पटेल की कथित मौजूदगी में भाजपा कार्यकर्ताओं के कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी क्रमांक 17 उषा दरबार के पति कैलाश दरबार पर जानलेवा हमला करने की खबर सामने आई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आरोप है भाजपा समर्थित प्रत्याशी अनुबाई तंवर के बेटे राजेंद्र तंवर और महेंद्र तंवर के साथ सांसद मतदाताओं से कथित जनसंपर्क के साथ कथित प्रचार कर रहे थे। निर्वाचन आयोग के नियमानुसार मतदान के पूर्व प्रचार करना आचार संहिता का उल्लंघन है। 8 जुलाई 2022 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान की पूर्व संध्या पर हुई हमले की घटना पर नाराजगी जताते हुए पूर्व कृषि मंत्री व विधायक सचिन यादव ने कांग्रेस जनों के साथ जिला निर्वाचन व पुलिस चौकी पर शिकायत दर्ज करवाई है, तो वहीं सांसद ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो जारी किया है। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। साथियों, जिला पंचायत का चुनाव चल रहा है। कल मैं इंदौर से लौट रहा था, खलघाट में खलटाका में अपने कार्यकर्ता रोड पर मिल गए मुझे। मैं उनसे मुलाकात कर रहा था, परंतु कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से बौखलाहट में हैं, हार उनको सामने नजर आ रही है, कहीं ना कहीं झूठे आरोप वो लगा रहे हैं। मेरे द्वारा किसी प्रकार का प्रचार नहीं किया गया है। मैं भारत के संविधान का पालन करने वाला एक व्यक्ति हूं और निश्चित तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस प्रचारित कर रही है, कहीं कहीं वो हार उनकी हो रही है, क्योंकि ऐसे भी खरगोन की जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी की बन रही है और उससे नाराज होकर, उससे क्रोधित होकर कहीं कहीं झूठे आरोप लगा रही है। सभी आरोप निराधार है और कांग्रेस खुद निमरानी और निमरानी के कुछ क्षेत्रों में कल रात में कुछ अवैध काम कर रही थी। पुलिस प्रशासन को कई जगह पर पकड़ा भी है, कई जगह पर उनको डांटा भी है, ये ध्यान में भी आता है, इसलिए इस प्रकार की गतिविधियों में वही लिप्त रहते हैं। मैं पुनः सभी से इस प्रकार की चीजों से अवगत कराना चाहता हूं कि सभी आरोप निराधार है। मैं अपने काम में लगा हूं, क्योंकि मैं अपना काम बड़े ईमानदारी से करता हूं। मैं सभी साथियों से पुनः आग्रह करता हूं कि सभी आरोप कांग्रेस अपनी घबराहट के कारण लगा रही। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।